देखते ही मुंह में पानी आ जाए, बिना झंझट मिनटों में कभी भी तैयार हो जाए। ऐसी है ये सबसे लाजवाब और टेस्टी स्पेशल पास्ता मैकरोनी। शाम की छोटी मोटी भूख हो या सुबह का नाश्ता, सभी का दिल जीत लेगा ये स्पेशल इंडियन स्टाइल मैकरोनी पास्ता। आज मैं आपके लिए घर में मैकरोनी पास्ता बनाने का एकदम स्पेशल और आसान वाला तरीका लेकर आई हूँ। मतलब यकीन मानिए, जब आप इस तरह से मैकरोनी पास्ता बनाएंगे, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, एकदम खिला खिला बनेगा और घर के बहुत ही कम सामान से, और आप इसे इजीली कभी भी तैयार कर सकेंगे। टेस्ट तो इतना लाजवाब कि सब उंगलियां चाटे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद परल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सुपर टेस्टी क्विक एंड इजी इंडियन स्टाइल मैकरोनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें करना होगा पास्ता को बॉईल। तो यहाँ पर एक पतीले में लगभग 1.5 लीटर के करीब पानी को पहले गर्म कर लेंगे। और अब यहाँ पानी में मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। सही मात्रा में पास्ता में नमक होना बहुत जरूरी है, तो वो यही स्टेज है जब आपको नमक जरूर डालना है, तभी पूरे पास्ता में एकदम समान नमक रहेगा तो फीकापन नहीं महसूस होगा। साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल, जिससे पास्ता आपस में चिपके नहीं। और बढ़िया उबलते पानी में यहाँ पर हम डालेंगे 2 कप मैकरोनी पास्ता। पास्ता आप किसी भी डिजाइन का ले लीजिए, पेने पास्ता, फ्यूजली पास्ता, स्प्रिंग पास्ता, कोई भी ले लीजिए, बस डिजाइन चेंज होती है, बाकी स्वाद बिल्कुल सेम रहता है। तो यहाँ पर ये जो मैकरोनी पास्ता मैंने लिया है ना, इसको एल्बो मैकरोनी बोलते हैं, और ये मैंने बीट वाली ली है, आटे वाली ली है। बाजार में सूजी वाली भी आती है और आटे की भी, तो कोई भी ले लीजिए। तो ये 2 कप मैंने ले लिया मैकरोनी पास्ता, इसको यहीं पर डाल देंगे और बढ़िया से उबाल लेंगे सिर्फ 85% तक। पूरा नहीं हमें इसको उबालना है, वरना क्या होगा कि जब तक आप मैकरोनी पास्ता तैयार करेंगे तब तक पास्ता बहुत ही चिपका चिपका मैशी हो जाएगा। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे और बस बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे, जिससे जो पास्ता है वो नीचे तले में चिपके नहीं। सिर्फ आपको यहाँ 3 से 4 मिनट ही पास्ता को बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पर। ये स्मॉल वाली मैकरोनी ली है ना, तो ये जल्दी बॉईल हो जाती है, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगता है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमारी मैकरोनी है वो ट्रांसपेरेंट सी दिख रही है, बस ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी मैकरोनी बिल्कुल तैयार है। तो देखिए इस तरह ना चाकू से काट कर देखेंगे, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट भी लग रही है, मशी भी नहीं हुई है, बस इतना ही हमें इसको बॉईल करना है। तो गैस को बंद कर देंगे। अब फटाफट से हम छलनी लेंगे और मैकरोनी को छान लेंगे, सारा पानी निकाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, मतलब नॉर्मल पानी, जिससे कि जो इसमें कुकिंग चल रही है अभी गर्माई की वजह से वो रुक जाए। बहुत जरूरी टिप्स हैं, जब आप इस टिप्स को फॉलो करके अपनी मैकरोनी पास्ता तैयार करेंगे, मेरी गारंटी है वो कभी नहीं चिपकेंगी, एकदम खिली खिली रहेंगी बनने के बाद भी, और जब ठंडी भी आप इन्हें खाएंगे तो ये आपको ड्राई महसूस नहीं होंगी। और पानी डाल करके बस सारा पानी इसका इसी तरह ड्रिप होने देंगे, और इस पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल, बस थोड़ा सा, और इस तरह चम्मच से एक बार मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो मैकरोनी है वो आपस में बिल्कुल चिपके नहीं, खिली खिली बनी रहे। चलिए फटाफट से बनाते हैं अपने इंडियन स्टाइल मैकरोनी पास्ता का बहुत ही स्पेशल मसाला। तो उसके लिए सबसे पहले गैस पर आप चढ़ाइए 1 कढ़ाई, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और साथ ही मैकरोनी पास्ता को बिल्कुल मार्केट स्टाइल टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर यहाँ पर डालने से एक तो टेस्ट भी बढ़ जाएगा, साथ के साथ थोड़े ऑयल के साथ डालेंगे तो बटर जलेगा नहीं, मतलब उड़ेगा नहीं। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लेंगे, और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चॉप्ड लहसुन। फटाफट से लहसुन को थोड़ा सा चलाएंगे और लो फ्लेम पर थोड़ा भून लेंगे कि कच्चापन निकल जाए। साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ग्रेटेड अदरक, थोड़ा सा अदरक लहसुन को भी भून लेंगे। अब इसमें जाएगी प्याज, तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज की प्याज को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, पूरी यहीं पर डाल देंगे और प्याज को थोड़ा गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज को हमेशा मीडियम हाई फ्लेम या हाई फ्लेम पर ही इस तरह लगातार चलाते हुए भूने, इससे प्याज आपस में चिपकेगी नहीं, प्लस पानी नहीं छोड़ेगी। अच्छा, साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उस अनुसार आप यहाँ पर मिर्ची का यूज करें। अच्छे से करेंगे मिक्स, और ये देखिए प्याज में भी हल्का गुलाबीपन आ गया है, लगभग 3 मिनट के करीब मैंने सभी चीजों को भून लिया है। अब आता है नंबर टमाटर का, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर, लाल वाले। तो यहाँ टमाटर को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, आप चाहें तो मिक्सी में दरदरा सा पीस भी सकते हैं। सारे टमाटर यहाँ डालकर अच्छे से करेंगे मिक्स। टमाटर थोड़ा सा ज्यादा लें क्योंकि पास्ता के अंदर ये टैंगी फ्लेवर भी देते हैं, और एक तरीके की ना ग्रेवी बन जाती है, तो जब आप पास्ता खाते हैं तो वो पूरा लिपटा रहता है मसाले में, सूखापन फील नहीं होता। तो अब टमाटर गया है तो साथ में जाएगा नमक, तो 1 छोटी चम्मच में डाल रही हूँ नमक, और बढ़िया से टमाटर को भी भून लेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए, बढ़िया से टमाटर पक जाए। अब टमाटर के साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे
कुछ मसाले। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ अपनी मैक्रोनी पास्ता को एकदम इंडियन स्टाइल बनाने के लिए एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ये मैंने कश्मीरी वाली ली है क्योंकि ये माइल्ड होती है, इसमें मिर्च नहीं होती, पर कलर बढ़िया आ जाता है। अगर आप रेगुलर वाली डाल रहे हैं तो सिर्फ आधा छोटी चम्मच बहुत रहेगी। साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छा, हमारे मसाले वगैरह कुछ भी चीज जले नहीं, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ दो छोटे चम्मच पानी। बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब सब चीजों को अच्छे से पका लेंगे कि जो टमाटर हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और इनमें से कच्चापन निकल जाए, साथ ही थोड़ा सा तेल छूट जाए। सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ लेड, जिससे हमारा काम तुरंत से हो जाए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, टमाटर एकदम बढ़िया से पक गए हैं। देख सकते हैं आप, मसाला बढ़िया भुनकर तैयार है। इस स्टेज पर मैक्रोनी पास्ता को जबरदस्त टेस्टी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ कुछ वेजीज। तो यहाँ पर मैंने ली है 3 रंग की शिमला मिर्च, पीली, लाल और हरी। मेरे पास तीनों कलर थे फ्रिज में, तो मैंने तीनों ले ली। आप यहाँ पर सब्जियाँ अपने मन की कोई भी डाल सकते हैं, सिर्फ हरी शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच बीन्स वगैरह हो, ब्रोकली हो, तो वो भी डाली जा सकती है। तो यहाँ पर लगभग 1/4 कप के करीब मैंने शिमला मिर्च ली है सभी कलर की, और 1/4 कप के करीब ही ली है मैंने ये बारीक कटी हुई गाजर। शिमला मिर्च हमने पहले इसलिए नहीं डाली, अगर हम पहले डालते तो शिमला मिर्च बहुत ज्यादा मुलायम पड़ जाती, रंग भी फीका हो जाता और खाने में मजा नहीं आता। मैक्रोनी पास्ता वगैरह में ना शिमला मिर्च थोड़ी सी क्रंची हो तभी बढ़िया लगती है। बस 1-1.5 मिनट थोड़ा सा टमाटर के साथ ही हम इसको पका लेंगे कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और क्रंच बरकरार रहे। और ये देखिए मैंने 2 मिनट बढ़िया से सभी चीजों को पका लिया, और आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है और गाजर भी हल्की पक गई है। बस अब इस स्टेज पर मैं लाने वाली हूँ इस पास्ता में जबरदस्त ट्विस्ट। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप यानी टोमेटो सॉस। साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस। यकीन मानिए आप ऐसे बनाकर देखिएगा, आपका मैक्रोनी पास्ता इतना टेस्टी बनेगा कि घर के बच्चे हो या बड़े ऐसे ही बनवाएंगे आपसे। अब आप कहेंगे पारुल अगर ये ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके पास शेजवान सॉस नहीं है तो आप यहाँ पर रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं, और बिल्कुल बगैर सॉस के सबको स्किप कर दीजिए, प्लेन भी आप बना सकते हैं। मेरा काम है आपको बेस्ट रिजल्ट देना, बेस्ट आपकी रेसिपी तैयार हो तो मैं वैसे बता रही हूँ आपको। और यहाँ पर अपने पास्ता को एकदम क्रीमी और जबरदस्त टेस्टी मार्केट स्टाइल बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज। सिंपल व्हाइट वाली एगलेस मेयोनीज जो होती है ये मैंने वो ली है। इससे हमारे जो पास्ता है उसमें क्रीमीनेस आएगी, साथ ही रिच बन जाएगा पास्ता। तो अब यहाँ पर जब आप मेयोनीज डाल रहे हैं तो ना तो आपको किसी चीज की जरूरत है, ना कोई प्रोसेस चीज, ना कोई शिदार, कुछ भी नहीं डालना है। सिंपल आप ये डालकर देखिएगा, गजब का टेस्ट आएगा पास्ता में। अच्छे से कर देंगे सभी चीजों को मिक्स। ये देखिए हमारा जबरदस्त वाली पास्ता मैक्रोनी सॉस तैयार हुई है, और बस अब फटाफट से इसमें ऐड करेंगे हमारा बॉइल्ड पास्ता। और ये देखिए ठंडा हो गया है पास्ता, आप देख सकते हैं एकदम खिला हुआ है, बिल्कुल भी मैशी नहीं हुआ। सारा पास्ता यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ पर मैं साथ में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच ओरिगैनो, या पिज्जा वाली सीजनिंग हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर यदि ये नहीं डालना चाहें तो आप यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला डाल लीजिएगा, तब भी बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और थोड़ा सा डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। अच्छे से करेंगे सभी चीजों को मिक्स, बिल्कुल हल्के हाथ से, कि हमारा जो पास्ता है वो टूटे नहीं। अच्छा, नमक में बिल्कुल और नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक मैंने टमाटर के वक्त भी डाला था और जब पास्ता बॉईल किया था तब भी डाला था। तो आप थोड़ा सा चख लें, और बाकी हमने सॉस जो डाली है उनमें भी पहले से नमक होता है, इसलिए और एक्स्ट्रा नमक डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बनाना आपने देखा एकदम सिंपल और आसान है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए, वही चीजें हैं जो घर में यूजुअली आजकल हम सबके घर में रहती हैं। जो ट्विस्ट मैंने इसमें सॉस के थ्रू डाला है मजा आ जाएगा आपको खा करके। और सिर्फ 2-3 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे, सारे जो मसाले हैं वो पास्ता में कोट हो जाए एकदम बढ़िया से। आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत ही बेहतरीन चीज है, और ये आटे सूजी से बना हुआ होता है तो कोई नुकसान भी नहीं है, आप इसे इस तरह जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। लीजिए एकदम बढ़िया हमारा कलरफुल जबरदस्त मसालेदार टेस्टी इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता है तैयार। तो गैस को करेंगे बंद, ऊपर से मैं यहाँ डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा, बच्चे तो बच्चे बड़े भी इस पास्ता के फैन हो जाएंगे। ये देखिए अगर आपको ये ज्यादा चीजी चाहिए तो आप ऊपर से इस 25 स्लाइस डाल करके 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक दीजिए, या फिर आपके पास मोजरेला चीज हो तो वो ऊपर से डालकर ढक दीजिए, तो ये आपका चीजी वाला तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने इसमें मेयोनीज डाली है तो आपको वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से करते हैं सर्व। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत बहुत टेस्टी स्पेशल वाला इंडियन स्टाइल मैक्रोनी
पास्ता बहुत ही पसंद आएगा आपको ये मैक्रोनी पास्ता। आप इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई करें, फिर चाहे लंच बॉक्स में दें, सुबह नाश्ते में बनाएं, या फिर छोटी मोटी भूख में शाम को एंजॉय करें। और आप देख सकते हैं कि हमारा मैक्रोनी पास्ता बिल्कुल भी चिपका नहीं है, एकदम खिला हुआ है। और मेरी गारंटी है ये ठंडा हो जाने के बाद भी आपको बिल्कुल ड्राई फील नहीं होगा, आप इसे ठंडे में भी एंजॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।